आप सुनेंगे आर के नारायण द्वारा लिखित एक अंग्रेजी कहानी का हिंदी अनुवाद, ज्योतिषी का एक दिन। ठीक दोपहर के समय वो अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कोड़ियों, कपड़ों का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमय रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक, तार पत्रों की एक किताब, उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता और आंखों से एक तिरछी चमक ये देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें, किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी बड़ी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वो सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता। ये रंग हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते जैसे फूलों पर मक्खियां गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वो इमली की एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। संकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी दुकानें लगी होती, घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की दुकान, जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाली एक मूंगफली विक्रेता जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी करते ही रहते थे। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वो बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे जिनमें से हर वक्त सूं की आवाज निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंभों की रोशनी की नंगी लपटें निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा कर लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजूर बनता जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्यमय समा बांध देती। ज्योतिषी को ये माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी तब ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है ये जानना तो दूर, वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे ना तो सितारों की कोई जानकारी थी, ना उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में जो कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती, इसीलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। ये नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह ये धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था। और दिन भर की मेहनत के बाद वो जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वो ईमान की ही कमाई थी। उसने जब गांव छोड़ा तब ये नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे, और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन ये नहीं होना था। उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था और आसपास नहीं करीब 200 मील ज्यादा दूरी थी। दोनों स्थलों के बीच एक समुद्र की तरह। वो कोई व्यवसायिक ज्योतिषी नहीं था। उसने अपना गांव किसी चिंता या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ा था। उसे ये पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था। उसके जीवन के कटु अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वो मानवीय जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वो लोगों के मन की बातों को पढ़ना सीख चुका था। समय के लंबे अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के सहारे उसने स्वयं में लोगों की समस्याओं के हल निकालने की उत्तम कला को विकसित किया था। वो अपनी चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करता था। इस प्रकार वो लोगों को आकर्षित करता था। एक दिन जब वो ज्योतिषी अपना कार्य समाप्त कर रहा था तब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति को ज्योतिषी ने अपना भावी ग्राहक समझा और इसीलिए उसे निमंत्रित किया। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से कहा कि वो उसकी चिंता दूर कर सकता है। ज्योतिषी के ये कहने पर अजनबी ने उसकी प्रतिभा को चुनौती दी और कहा कि यदि उसने उसे ठगने की कोशिश की तो वो उससे अपने दिए गए पैसे सूद सहित वापस ले लेगा। कुछ देर तक सौदेबाजी करने के बाद अंत में वो दोनों एक सौदे पर पहुंचे।
उस आगंतुक के सिगरेट जलाते समय जब ज्योतिषी ने भागना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने उससे चुनौती पूरी करने की जिद की। वो ये जानना चाहता था कि वो अपनी खोज में कामयाब होगा या नहीं। शुल्क में विषय में थोड़ा मोल भाव के बाद उन्होंने 1 रुपया पर समझौता किया। ज्योतिषी ने अपनी घबराहट को छिपाया एवं चालाकी से अजनबी से कहा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी एवं उसे चुरा मारा गया था। इससे ज्योतिषी के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ी, किंतु उसने उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाया। उसने ज्योतिषी से और भी प्रश्न किए और उसके उन प्रश्नों के उत्तर में ज्योतिषी ने कहा कि उसे कुएं में डाल दिया गया था। ज्योतिषी ने उसको ये भी बताया कि उसे उसका शत्रु अब तक नहीं मिला है क्योंकि वो एक ट्रक द्वारा कुचला जा चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब ज्योतिषी ने उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। ज्योतिषी ने उससे कहा कि ये सब दैवीय अंतर्दृष्टि का फल है। इस तरह ज्योतिषी ने संतुष्टजनक उत्तर दिया एवं अच्छा पैसा कमाया। वो चालाकी द्वारा अपने किए गए अपराध के पाप के प्रायश्चित से बच गया। तो ये थी कहानी ज्योतिषी का एक दिन। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।